भाई साहब चार लॉन्ग कोट था जयपुर में हमारे क्लास में B1 लगा था नौ डॉग में शाम का समय है सुबह से थक चुके हैं और अभी रेस्टिंग पोजीशन में थक चुके हैं ये बच्चे और दोस्तों डॉगीज वर्ल्ड इस प्रकार किसी प्रकार के मार्केट सपोर्ट नहीं करता ना इसके फेवर में बट दोस्तों जैसे हमारे इंडिया में क्या कल्चर होता रहता है इन सबको लाना भी मेरा फर्ज है हम आग भी नहीं बंद कर सकते तो ये सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि हाँ ये सिस्टम भी होता है ऐसे डॉग्स भी सेल होते हैं हमारे इंडिया में और हर एक चीज़ जो आपके सामने आपके लोगों नॉलेज के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों बट इस प्रकार किसी भी मार्केट्स को कैनल्स को या डॉग मार्केट को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ दोस्तों इस प्रकार के डॉग के सेल परचेज को आप देख सकते हैं इसमें बीगल एक ही केज के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पप्स है जबकि मैं अमूमन 1 या 2 ही रखते हैं हम और यहाँ पर देख सकते हैं आप प्लेइंग वीडियो फ्रेंच बुलडॉग को गोल्डन रिट्रीवर करता हुआ आप देख सकते हैं बिहेवियर सो ये भी थोड़ा सा हजम होने से दूर है बट चलिए सभी बराबर नहीं हो सकते सब अलग अलग कैटेगरी है अलग अलग शो है चलो भैया आपके पास क्या क्या है दिखाना स्टार्ट करो रेट के साथ ये क्या है रॉटवीलर फीमेल है रॉट की फीमेल है अच्छा जी क्वालिटी तो चलो ठीक है प्योर है प्योर है क्या रेट रखा आपने इसका 7 से 8 हजार के बीच 7 से 8 हजार के बीच में अगर यही अगर हैवी बोन मस्कुलर बच्चा लिया अगर बढ़िया सा तो कितने का आएगा वो मेल तो आएगा 15 से 20 के बीच में 15 से 20 के बीच में फीमेल आएगी 7 से 8 के बीच 7 से 8 हजार के बीच दूसरे के आपके पास और गोल्डन रिट्रीवर अच्छा गोल्डन रिट्रीवर गोल्डन रिट्रीवर ये भी प्योर है नो डाउट प्योर है एज क्या बैठे क्या रेट डिमांड इसका आपका इसका 20 हजार है 20 हजार रूपए मेल का और फीमेल का फीमेल का 10 हजार रूपए आधो हाथ रेट का फर्क रेट का फर्क क्यों आधो हाथ का वीर लड़के और लड़की में जितना फर्क होता है लड़के लड़की मतलब कि ऐसा तो हर कोई घर में रखने के लिए तो अगर चाहता है कि मेल रखे हर कोई चाहता है हमारे लड़का हो अच्छा सब फर्क है सब चाहते लड़का हो लड़की ना हो इसी का फर्क है और माए मतलब लगे पड़े हैं चलो जी आपके ये बीगल के ये मेल और ये फीमेल है क्या रेट है वीरेंट का फीमेल है जो 8 हजार की ये 8 हजार की है मेल 14 हजार ये 14 हजार का है ओके 8 हजार 14 हजार ओके हाँ ये फ्रेंच बुलडॉग है इसका क्या रेट है इसका मेल का 20 से 25 के बीच में होता है फीमेल का 18 से 20 के बीच में अच्छा अच्छा इनमें वैसे प्योरिटी कैसे देखा जाए आज देखिए आजकल ऐसे नाक देखो हाँ अंडर नो समझो चाहे कुछ भी ठीक है एयर वगैरह भी कलर वगैरह भी ठीक है ओके ओके और भैया क्या आपके पास और कल्चर पाउम है अच्छा रियल कल्चर पाउम रियल कल्चर पाउम जो लोग दिखाते हैं अमूमन वो नहीं है मतलब प्योर कल्चर पाउम अच्छा अच्छा क्या डिमांड है वैसे प्योर कल्चर पाउम का जो 12 से 18 के बीच मेल सेल होता है 12 से 18 का मेल और फीमेल सस्ती अगेन आधे रेट में फीमेल है इसकी फीमेल 8 से 12 के बीच में फीमेल 8 से 12 के बीच में नो डाउट ठीक है तो ये सब सारे बच्चे जो आपके घूर के घर की है ब्रीडिंग ब्रीडिंग लैब का मेल है अच्छा ये लैब का मेल है ओके क्या रेट है वैसे लैब का मेल का लैब का मेल सर चलता है 10 से 15 के बीच में चलता है 10 से 15 के बीच में चलता है चलो बढ़िया सो कॉन्टेक्ट नंबर 9494655 36 9333 कहाँ से वीरे
हम दुराहा के पास, लुधियाना के पास हो। हाँ जी, हाँ जी। तो कहने का मतलब अगर बंदा हरियाणा पंजाब दिल्ली के आसपास आपका ले आ सकता है, डिलीवरी भी कर देंगे कोई बात। डिलीवरी में दोस्तों कई बार देखा गया है कि पैसे वगैरह ऑनलाइन शॉपिंग में पंगा पड़ता है, ऐसा कुछ तो नहीं ना? कोई बात नहीं, पेमेंट डिलीवरी के बाद दे देना, कोई चक्कर नहीं। भैया बहुत अच्छी आपने बात की है, तो ये एक भरोसे वाली बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोस्तों हर एक प्रकार का, कई लोग कहते भैया आप के पब्स के रेट हाई होते हैं, मैं बिल्कुल हाई होते हैं। ये राजो यहाँ पे ले जाओ, यहाँ 11,500 का पेयर है, ये देखो पकड़े। मेल कितने का वैसे इसका? 9,500 का मेल है। और फीमेल? फीमेल 5,500 5,500 की। दोस्तों आप देख सकते हैं क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही होता हर चीज़। और ये जो भाई के पास क्वालिटी है ये है 9,500 का मेल, नो डाउट। टेल कैसा है इसका भैया? शॉर्ट टेल है, प्योर है, मतलब 100% खाते पीते हैं। क्या खाते हैं वैसे ये? फीड और सेरेलैक। फीड और सेरेलैक। उम्र कितना भी इनका? एक मंथ के ये। और ठीक है, और जर्मन शेफर्ड आपके हाथ में ये क्या रेट है भैया? 9,500। ये भी 9,500 का है, दोनों ही 9,500 के दोस्त इनके पास। और क्वालिटी आप देख, कहाँ से हो भैया आप? बठिंडा जिला। बठिंडा से? ये आपके पीछे जो संधु डॉग फॉर्म अलग है? अच्छा अलग है, अलग है, अलग है, बढ़िया है, बढ़िया। तो जो लोग दोस्तों सस्ता पप्पी लेने जाते हैं जिनका बजट वगैरह इशू है, तो उसके लिए भी यहाँ पे पप्स अवेलेबल होते हैं। 9,500 डिमांड है, जबकि आप लेने आओगे तो आप मौके पे भी इनका रेट कम कर सकते हो, और जो भी इनमें सेटिंग है आप उसमें आके ये कर सकते हो। उसके साथ दोस्तों डॉग शो में छोटे ब्रीड भी कमाल करते हुए, और ये लाइन से अवॉर्ड ऑफ ऑनर और काफ़ी ये लेते हुए ये जब पप। ये छोटे छोटे से ब्रीड कमाल करते हुए और फील्ड में प्रॉपर ये लोग झंडे गाड़ते हुए, इनके झंडे गाड़ के निकाल दिए ना, बहुत बढ़िया। ये ब्रीड कौन सी है? अमेरिकन बुली। ये क्या, किस लिए लाए हो आप? ये किस लिए लाए हो यहाँ पे, किस लिए रखे हो आप? ये सेल के लिए, सेल के लिए। उम्र कितनी इसकी भैया? 1 महीने का है। झूठ, 1 महीने का नहीं है मेरे वीर, 1 महीने का है। मैं काम छोड़ दूंगा, ये दांत तो इसका आए नहीं, इसके दांत तो आए नहीं, 1 महीने कैसे हो गया जी ये? 1 महीने क्या जाते हैं? जहाँ तक मेरे को आईडिया 1 महीने में दांत तो आ जाते हैं। मैं आपका फोटो वीडियो नहीं ले रहा, फेस नहीं ले रहा मैं, बट गलत है इतना छोटा बच्चा सेल करना। इसकी मदर की डेथ होगी ना, वो इसका मम्मी पालो, रॉयल केनल दूध पाओ, इसको सांड बनाओ, उसको गाय का दूध पाओ, हम भी पाते हैं, हम ब्रीडिंग हम भी करते हैं, गाय का दूध पाते हैं, मोटा अट्टा करके अच्छे रेट पे से इसको बास्केट में डाल दो, कोई फायदा नहीं, ठंड भी लग रहा है बेचारे को, शिवरिंग है दोस्तों। तो जहाँ शानदार डॉग है तो वहाँ ये भी है, तो अलर्ट रहे, सावधान रहे। हिमालयन शिप डॉग, जरूर फोटो करवा के आ गए, फोटो में कोई बैठी रहती है कि पर आज हमारे यहां ने सदे ने अपने को दिया है डॉग शो दे रहे हैं। हेलो सागर, क्या हाल है? दोस्तों आज मैं आया हूँ डॉग शो नाभा, जो कि पंजाब के पटियाले से 20 किलोमीटर आ गया है नाभा, एंड ये रहा व्यू। तो अब मैं आपको घुमाता हूँ यहाँ पे जितने भी बिग पिक्स हैं, बच्चों के वीडियोस हैं, कि कई लोग यहाँ पे शो में लेके आए हैं, कई लोग यहाँ पे पिक्स लेकर शेयर कर रहे हैं, पप्पी सेल कर रहे हैं। अब सो फ्रेंड्स, यहाँ ये लोग वेटिंग फॉर द चांस, ये शो के लिए लाए हैं, ये गोल्डन रिट्रीवर और ये जर्मन शेफर्ड। होप होता है, उम्मीद होता है कि शो में लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, सो बहुत बढ़िया है। अब आगे चलते, वो भाई हस्की बहुत ही शानदार है, खूबसूरत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर।
लाजवाब, एक से बढ़ के एक कलर। हेलो गाइज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये सारे भैया पपीज आप क्या शो के लिए, किस पर्पज के लिए भैया? बेचने के लिए, सेल पर्पज के लिए। यार ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये क्या मेल फीमेल क्या क्या है इनमें भैया? तीनों फीमेल है, वो मेल है। एज क्या फीमेलों का भैया? हाँ जी, साल की दो फ्रेश है, साल साल की दो। ये साल साल की फीमेल है ये? हाइट कॉम्पैक्ट साइज में ही है साइज, इसने पपी दी हुए इसने दिए हुए और ये कॉम्पैक्ट साइज में। ये तीन मंथ का है। आईज कलर? एक ब्लू एक ब्लैक। और आईज में क्या डिमांड है वैसे भैया? 25। और उन तीनों फीमेल का? उनकी 40-40 हज़ार। 40-40 हज़ार। तो दोस्तों जो लोग चाहते हैं न्यू स्टार्ट करना, ब्रीडिंग स्टार्ट करना, तो जहाँ वो 30-35 का फीमेल लेंगे, मैं तो एडवाइस करूंगा ये बड़ी फीमेल ले लो 40 हज़ार में, वो मच बेटर ऑप्शन है। और यू नो और इन फ्यूचर ब्रीड कर सकते हैं, और नो डाउट कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी सुंदर है। और भाई बांध भी पट्टे की बैल में रखा हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस डॉग शो की खूबसूरती देखते हैं। ओ स्टैंड अप बॉय 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 बॉय, आई एम नॉट गोइंग टू हार्म यू भाई, आराम से मेरे भाई भाई आराम से, आई एम नॉट गोइंग टू हार्म यू स्वीटी। हेलो हेलो बेबी, हेलो बेबी, ओ बेबी ओ बेबी ओ बेबी, ओह ये आया शेर का, ये कह रहा है दादा गिरती। भाई मैं कुछ नहीं करने वाला, दोस्त है, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड ब्रो, आराम से। इसकी वजह से ओनर्स बैठे भी नहीं है। गब्बर अदिन गब्बरी नाम होना चाहिए इसको। ये फीमेल वाओ, बैठी हुई फीमेल की तरह है, बैठने का स्टाइल देखो दोस्तों, पैर के ऊपर पैर करके बैठी हुई है। ऐसी मेरी जुली बैठा करती थी, जो चोरी होगी उसको चोरी कर लिया गया। उसको बहुत प्यारी थी जर्मन शेफर्ड, पर जिसने भी किया उसकी तो माँ की सके नाका। दोस्तों एक से बढ़कर एक लैब्राडोर, ब्लैक गोल्डन वाइट, ये कलर भी काफी डिमांड में आजकल। कहाँ से हो आप? तो ये शो के लिए लाए हो आप? बढ़िया बहुत बढ़िया। वैसे इस कैटेगरी के जिनके स्टड के बच्चे होते भी, वैसे क्या वुमन का रेट जाता है वैसे? 20,000 प्लस पेपर। पेपर कितने एक्स्ट्रा? पेपर प्लस बिच्ची, एक्स्ट्रा यानी बिच्ची पेपर। अच्छा बिच्ची पेपर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी अच्छे डॉग है नो डाउट। तो अभी लगाया आपने कुछ लिया है चैंप बने अभी? सारे चैंपियन डॉग ने अपने नहीं। अच्छा सारे चैंपियन डॉग आपके पास? मार्शल दी लैंड ने, ब्रूनो एंड ब्रूनो मार्शल, ब्रूनो मार्शल लैंड ने। हां 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 दी बच्चे ने। ओके 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 ओके, नहीं बहुत सुंदर डॉग है, काफी बढ़िया बहुत बढ़िया, नो डाउट काफी बढ़िया डॉग है। आम डॉग का लेंगे जे तुसी 30-40 हज़ार तो स्टार्ट होता है, इंपोर्टेड ने इन्हों का लक्ष तक बढ़ जाता, उत्ते भी बढ़ जाता क्वालिटी के हिसाब से। इंडियन लेने तो ये जो डॉग आपका यूएसए इम्पोर्ट है, किसने करवाई यूएसए इम्पोर्ट आपको? अच्छा अगर कितने का कॉस्ट पड़ जाएगा इसके बच्चे क्या रेट सेल करते हो आप? ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਲੀਟਰ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਯੂ ਐਸ ਏ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਔਰ ਮਦਰਸ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਅਗਰ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਆ ਤੋ 1 lakh ਦਾ ਪੱਪੀ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਗਰੰਟੀ, ਮਾਈਕਰੋ ਗਰੰਟੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ A1 ਮਾਈਕਰੋ ਨਾ, ਨਾਮ ਕਾ ਨਹੀਂ ਕਾਮ ਕਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਦਿਖ ਵੀ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਕਾ? ਫੀਮੇਲ ਡੀਜੇ ਕੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਡੀਜੇ ਕੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਔਰ दोस्तों मैं हर बार पे प्रमोट करता हूँ आप लोगों को कि ये बहुत ही ठंडी ब्रीड है, आप देख सकते हैं दोस्तों, और काफ़ी ठंडा कुछ भी नहीं कर रहा, नॉन एग्रेसिव ब्रीड दोस्तों, घर के लिए एक बेहतरीन फैमिली प्लस गार्ड डॉग है, और यू नो बहुत ही बढ़िया डॉग। और ये फीमेल है, ये बैटमैन की बच्ची है। इनके बच्चे क्या रेट मिलते हैं? जो इम्पोर्ट इनके बच्चे क्या रेट मिलते हैं वैसे अमूमन? इनके बच्चे सर हो जाते हैं जैसे 60,000 से 60,000 के आसपास, मतलब इनके बच्चे हम लोगों को स्टार्ट है, ऊपर कोई रेट नहीं, ऊपर मतलब जो मर्जी जैसा क्वालिटी वैसा रेट कहने का मतलब। बट नो डाउट यार आप लोग जो वर्क कर रहे हो तो
डिजर्व भी करते हो। और हरियाणा कैथल हो आप, हरियाणा कैथल के आप बड़े ये कलर पॉपड़ी है, नो डाउट यूएसए इम्पोर्ट। क्या नाम है इसका? बेंजीमैन। साइंटिस्ट भी था मेरे ख्याल से। भाई की स्माइल बहुत तगड़ी है वैसे तो भाई, तो बहुत बेहतरीन ब्रीड नो डाउट, बैक टू बैक। सो अमेरिकन बुली लवर्स आइए, एंजॉय कीजिए अमेरिकन बुली। देन वी कम अबाउट एक डॉग के बारे में। तो दोस्तों ब्लैक बुल, वैसे रफ एंड टफ ब्रीड, ग्रूमिंग की जरूरत पड़ती है हम लोगों को। स्मूथ कोट में ग्रूमिंग की ज्यादा एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ता मैंने, कोई ग्रूमिंग जरूरत। बस आप देते क्या हो दोस्तों, एक ये बात बताओ कि लोग अमूमन अमेरिकन बुली ले सकते हैं, फिर कहते भैया हमारे अमेरिकन बुली के मसल्स नहीं आ रहे जो आपके डॉग्स में प्रॉपर दिख रहा है, तो इसके पीछे खास बात क्या है, क्या आप एडवाइस देना चाहोगे? डाइट है ना जो प्रॉपर टाइम से देनी है, जो मेन तो अंडे हैं, जो अंडे अंडे हैं, बाकी फीड है। फीड कौन सा? वैसे फीड मेरे आप कोई भी यूज कर सकते हो, वैसे तो इनके लिए अमेरिकन के बुली के लिए स्पेशल तो पावर पैक है, पावर पैक, स्मार्ट पावर पैक। बाकी पेडिग्री भी यूज कर सकते हो, पेडिग्री भी बेस्ट है, बाकी जो आपको सूटेबल हो। एक्स्ट्रा कोई फूड सप्लीमेंट, कई लोग दोस्तों कहते हैं बाकी वो आपने प्रोटीन लगाओ, प्रोटीन शेक, इसको हैवी करना है वो उसके अकॉर्डिंग आप कोई प्रोटीन वगैरह जो इतनी पड़ती है एक्स्ट्रा पड़ती है? नहीं पड़ती मेरे प्रोटीन, अगर आप प्रॉपर डाइट पाओ तो उसमें ही सफिशियंट है हमें एक्स्ट्रा। कोई डीवॉर्मिंग टाइम टू टाइम हो, डीवॉर्मिंग वैक्सीनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है ब्रदर, सबसे जरूरी है वो। और लाखपत की एक बात की इतना बढ़िया शेप है जो स्मार्ट हार्ट का पावर पैक है या पेडिग्री अंडे है उसकी वजह से इस भाई ने कोई भी एक्स्ट्रा मतलब इनको ना फूड सप्लीमेंट्स नहीं दिया जो लोग कहते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह जिम के लिए। तो देखो मार्केट में कई प्रोडक्ट इनके नाम से आ रहे हैं और इनके नाम से बिक रहे हैं। सो भाई का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इतना लंबा थोड़ा सांड है जब इसको क्या है जब इसे जरूरत पड़ी है तो नो डाउट अदर भी आगे भी जरूरत नहीं पड़ेगी।